अच्छी प्रथा नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उद्योग लगाना अब आसान हो गया। सरकार ने औद्योगिक प्लांट आवंटन की नीति में बदलाव किया है। नोएडा के उद्योगपतियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के कुछ उद्यमी मौजूद हैं जो लगातार यहां पर पिछले काफी दिनों से उद्योग चला रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सरकार की सराहनीय योजना से उद्यमियों में बहुत ही खुशी का लहर है, हर्ष की लहर है। अभी तक क्या होता था कि इस ई बिडिंग के जरिए बड़े उद्यमियों को, फाइनेंसरों को, प्रॉपर्टी डीलरों को इसका लाभ मिलता था, छोटे उद्यमी भूखंड पाने से वंचित रह जाते थे। पर सरकार के सराहनीय कदम से छोटे उद्यमियों का भी भूखंड पाने का सपना अपना पूरा होगा। ऑनलाइन में कठिनाई ये आती थी, छोटे उद्यमियों के पास एक तो ऑनलाइन सुविधाएं नहीं होती थी, दूसरा उनके पास फंड्स की व्यवस्था नहीं होती थी। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा छोटे उद्यमी ही रोजगार प्रदान कर रहे हैं, तो उनको सरकार की तरफ से अगर इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो वो भी एक दिन सपना उनका पूरा हो सकता है कि हमें भी फैक्ट्री मिल जाएगी। सर, ये फैसला जो लिया गया है ये तो पहले से ही एक्टिव था, इसको बीच में ई बिडिंग डाल दिया, ई ऑक्शन डाल दिया, जो कि पूर्णतः गलत था। तो कायदे में तो जो बीच में ई ऑक्शन प्लॉट हुए हैं उनको भी बेस प्राइस के ऊपर दिया जाए और बाकी पैसा उनका वापस किया जाए। इस व्यवस्था के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जो छोटा उद्यमी है वो आगे आएगा, उसको थोड़ी राहत मिलेगी। इससे फायदा होगा ही, बस इसमें इतना है कि यूपीसीडा में भी ये चीज फायदा होना चाहिए। अभी 3 प्राधिकरण में हुआ है तो यूपीसीडा में भी को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तमाम उद्यमी हैं ग्रेटर नोएडा के जो इस सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, ग्रेटर नोएडा।